ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಇಬಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಇಬಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹಿರಾ ಶೇಖ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು 112 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂದು ಎಂಇಬಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 10 ವಕ್ತಾರರನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. और हमारे बनने वाले कैंडिडेट और कंटेस्ट करने वाले एमएलए वो सब यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि कुछ जगह की वजह से हमने ख़ास मीडिया को और कुछ लोगों को इनवाइट किया था, जो ऑनलाइन पर और चैनल्स पे जितने भी लोग आज हमारे इस मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और आज हमें बहुत ही ये खुशी का दिन है. आज हम देश के लिए जो ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें आप सबकी मदद रही. जो भी मैनिफेस्टो के लिए कमेटी थी, और उस कमेटी का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने हर बात को मेरी सोच कर उस चीज़ को जो है बिल्ड करने की कोशिश की है. और उसके साथ साथ सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों के इंसाफ के लिए ये पार्टी को ख़याम में लाया गया है, ये पार्टी को बनाया गया है. और ये पार्टी का मकसद है कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी काम करेगी. ये पार्टी किसी रिलीजन बेस पर नहीं चलेगी, ये पार्टी माइनॉरिटी मेजॉरिटी बेस पर नहीं चलेगी, और ये पार्टी किसी एक कास्ट के लिए नहीं रहेगी. ये पार्टी भारत के हर नागरिक के लिए ये पार्टी है, और भारत के हर नागरिक को ये पार्टी में इंसाफ मिलेगी. और ये पार्टी लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आई है, लोगों को जोड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई है. और ये पार्टी के अंदर जो हमारा ख्वाब था वो ये था कि हमारे भारत में हमारे बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ाई हो जाए. और हमारे भारत में जो हमारे बच्चों के लिए पहले सबसे पहले महिलाओं के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हमें चाहिए था, क्योंकि 70 साल से जो हुकूमतें आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, मगर कोई भी महिलाओं की फैसिलिटी के लिए, महिलाओं के काम के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उस पर काम नहीं किया जाता है. तो ये पार्टी का नाम ही महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसलिए रखा गया कि भारत की हर महिला को इसके अंदर इंसाफ मिले. जब महिला को इंसाफ मिलती है तो समझ जाइए कि पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ मिलेगी, और भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिलेगी. जब महिला को ही इंसाफ नहीं मिल रही है तो समझ जाओ फिर भारत के किसी नागरिक को भी इंसाफ नहीं मिल रही है. तो ये पार्टी जो है खास कर से सबसे पहले बेहतरीन हमारा कर्नाटका और ग्रीन कर्नाटका, और इस कर्नाटका में सबसे पहले ये पार्टी कंटेस्ट करने के लिए जा रही है. और ये पार्टी 224 सीट्स पर लोगों को चुनाव में उतारेगी. अल्हम्दुलिल्लाह लोग चुनाव में आने के लिए तैयार हैं और कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं. सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे विजन को और हमारे मिशन को देखकर, पार्टी के मिशन को देखकर, हमारे पास रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन के जरिए से और फिजिकल और व्हाट्सएप के जरिए से कंटेस्ट करने के लिए 5,700 एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जो है आए थे, जिसमें से लोगों को चेक करके और उनके सोच को और उनके सोशल वर्क को चेक करके एक ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है. तो इसमें मैं उम्मीद करती हूँ
कि हम कर्नाटका के इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर एक रोशनी लेकर आएंगे और कर्नाटका में चेंजेस लेकर आएंगे। और उसमें सबसे पहले ये होगा कि औरतों के लिए, खास कर से ख्वातीन के लिए जो होगा कि उनके लिए अच्छे अच्छे फैसिलिटीज होंगे और ख्वातीन के लिए उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होंगे, क्योंकि आपने तो सारा मैनिफेस्टो के पॉइंट सुने हैं और बुक भी आपको हाथ में मिलने वाली है। तो मैं थोड़ा मुख्तसर सा जो है इसके ऊपर रोशनी डालूंगी कि खास कर से इसमें जो है कि औरतों के लिए इसमें खास कर से फैसिलिटीज होंगे। उनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगे कि आज तक औरतों के ऊपर जो क्राइम होते आते हैं, अगर आप देखते जाएंगे तो हर साल वो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर जुल्म और उनके ऊपर हरासमेंट सब कुछ भी बढ़ता चले जा रहा है। उसके लिए इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट रखा जाएगा और उनके लिए पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल पार्ट होगा जिसमें जाकर वो कंफर्ट से जो है अपने हालात को, अपने वाकयात को बयान कर सके। और दूसरी बात क्या है कि उनके लिए 24 आवर्स भी जो है फैसिलिटी होगी। और उसके साथ साथ कर्नाटका के अंदर बच्चों के लिए जो एजुकेशनल होगा, उसके लिए आज हमारे स्कूल के जो हालात है बहुत खराब हालात है। सर्वे के मुताबिक कर्नाटका के अंदर कहीं कहीं पर बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है स्कूल में, कहीं कहीं पर बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर नहीं है, बच्चों के लिए जो है उनके लिए अच्छे फैसिलिटीज और अच्छे टीचर्स नहीं है। हम जो है इंशाअल्लाह कर्नाटका के टोटल स्कूल्स को एक यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश करेंगे। जो अर्बन के स्कूल भी क्यों ना हो, रूरल के स्कूल भी क्यों ना हो, दो भी जो है सेम तरीके के स्कूल जो है हम इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद कर्नाटका का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है, 2017 में 3,500 फार्मर ने गूगल के रिपोर्ट के मुताबिक और भी कुछ सर्वे के मुताबिक 3,500 फार्मर ने सुसाइड किया है। वो इसलिए सुसाइड किया है कि जिनके लोन 50,000 थे, जिनके लोन 20,000 थे, जिनके लोन 40,000 थे, वो लोन अदा ना करके उसकी तकलीफ की वजह से जो है उन्होंने अपने जानों को ये किया और सुसाइड किया है। एमईपी का ये मकसद है कि एमईपी जिस दिन रूलिंग में आएगी, अगर लोग सब साथ देंगे जिस दिन रूलिंग में आएंगे, तो फार्मर का लोन इंटरेस्ट के साथ टोटल माफ कर दिया जाएगा। और फार्मर्स के लिए, खास कर से उनके सपोर्टिंग के लिए, उनके जूलॉजिकल टेस्टिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक सेंटर होगा, उनके लिए गाइडेंस करने की एक टीम होगी कि उन्हें किस तरह से फसल में अगर पैसा रखेंगे तो वो फसल में उनके लिए फायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर उनको ट्रेनिंग सेंटर रखे जाएंगे। और दूसरी बात, उनके जो बिल होते हैं, चाहे वो शुगर की बिल क्यों ना हो, उनके प्रोडक्ट की बिल क्यों ना हो, जब सरकार की बिल होती है तो हमने सर्वे किया है, सर्वे में उनके बिल 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने फसल आ जाने के बाद भी उनको बिल नहीं मिलती है। मगर जब एमईपी की सरकार आ जाएगी तो एमईपी फार्मर्स के लिए एडवांस देगी, उनके बाद बिल डिले नहीं करेगी, उनको एडवांस में पेमेंट करके रखेगी ताकि उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि फार्मर का खुश रहना हमारा सबका खुश रहना है और फार्मर का खुश रहना भारत का खुश रहना है, क्योंकि फार्मर की जो मेहनत है वो हमारे हर घर में, बगैर फार्मर के मेहनत के हमारे घर में रोजी नहीं आती, उनकी मेहनत और रात और दिन की होती है, जान और दिल लगाकर भी जो है फार्मर मेहनत करते हैं, तो उनके लिए और भी ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज लाएंगे। और खास कर से आज तक फार्मर्स को विधानसभा में जाने के मौके नहीं मिले, उनको कभी कोई हुकूक नहीं मिलता, उनके लिए जाकर जुबान उठाने के लिए फार्मर्स के लिए कोई बंदा विधानसभा में हमें चाहिए और राज्यसभा में चाहिए। तो इसलिए जो है मैंने ये किया है कि एमईपी के अगर 100 सीट होंगे तो 4 सीट फार्मर के लिए रिजर्व होंगे टोटल इंडिया में और कर्नाटका में, ताकि उनको सारे चीजें करने के जो है मौके मिल सके। और उसके बाद
हमको हमारे बच्चों के तालीम को, हमारे बच्चों की पढ़ाई को मजबूत करना है। क्यों कि देश के सिपाही, देश के सितारे, देश को बनाने वाले हमारे बच्चे हैं। आज हमारे बच्चों की 70% हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल ना लेने की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे लेबर बनते जा रहे हैं। मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है कि भारत में कोई भी हाथ फैला के मांगने वाला रोडों पर नज़र ना आए। मेरा ख्वाब है कि भारत के अंदर कोई बच्चा लेबर ना बने। मेरा ख्वाब है कि हर बच्चे को जो है तालीम के अंदर उभार कर उनको LKG से लेकर PG तक सरकार जो है फ्री पढ़ाई पढ़ाएगी। इवन के अगर उनको इंटरनेशनल में भी कभी पढ़ाई करने की ज़रूरत हो जाएगी तो उनको स्कॉलरशिप के ज़रिए जो है इंटरनेशनल में भी पढ़ाई करेगी। ये फैसिलिटीज़ मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारे देश में बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं। जॉबलेस के बारे में हम कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जॉबलेस जितने होते हैं उतने क्राइम बढ़ते हैं, जॉबलेस जितने होते हैं उतने फसादें बढ़ते हैं। तो इसलिए जितने भी यूथ, जितने भी वुमेन हमारे पास जॉबलेस हैं और हमारे कर्नाटका में जॉबलेस है, उन सब के लिए अलग फैसिलिटीज ला के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 1 लाख जॉबलेस लोगों के जॉब के लिए इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल IT सेंटर्स में डालकर उनके जॉबलेस जो है उसको मैं इंशाल्लाह खत्म करके बताऊंगी। और उसके साथ साथ भारत में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे लोग 20% से 25% लोगों के पास पूरे भारत के अंदर बहुत बड़े बंगले, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं। 30% लोग भारत के नॉर्मल मिडिल क्लास में वो लोग चलता है, उनके पास अच्छे घर होते हैं। और 20% भारत के लोग जो अच्छे अच्छे रेंट पर अच्छे अच्छे चीज़ें लेकर रहते हैं। और 30% भारत के लोगों के पास जो है रहने के लिए घर नहीं है, मगर वो रहते हैं फिर भी छोटा मोटा रेंट देकर अपने घरों में रहते हैं। मगर भारत के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जब बारिश आता है, बारिश में से छत में से पानी गिरता है तो 5-6 बच्चे उनके भीग जाते हैं। और छोटे छोटे क्लॉथ हाउस, छोटे छोटे गुड़सियाँ, छोटे छोटे चीज़ें, और जो कोई मजबूत घर नहीं होता, हवा आती है तो वो लोग कांपते हैं, और बारिश आती है तो वो लोग डरते हैं, धूप आती है तो वो लोग डरते हैं। इंशाअल्लाह MUP की सरकार अगर कर्नाटका में आ जाएगी, 5 साल के अंदर 1 पूर हाउस भी आप देख नहीं सकते। कुछ ना कुछ उनको 1 बेडरूम का फ्लैट 2 बेडरूम का फ्लैट इंशाअल्लाह उनके बनाने के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि आज हम अपने लोगों को धूप में सुलाते हुए, अपने लोगों को बारिश में भिगाते हुए डिजिटल इंडिया बनाने जाएंगे तो इसका कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे पहले हमको चाहिए उनको रहने का घर दे, उनको खाने का खाना दे, उनके बच्चों को पढ़ाई दे, उनके हेल्थ के लिए अच्छी मेडिकल दे, तो उसके बाद हमारा भारत अच्छा बन सकता है। उसके बाद डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो चलेगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सुधार के लाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने बताया है, और मैनिफेस्टो हमारा कन्नड़ा में और इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू ज़ुबान में और तमिल ज़ुबान में, तेलुगु में, सब में ट्रांसलेट हुआ है। ये हमारे साइट पे 1-2-3 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। आप सारे डिटेल्स जो है उसमें देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी को किसी जात के इस पर ना ये करें और किसी कास्ट के ऊपर ये ना करें। आज यहाँ पर कई लोग आकर मुझसे यही कहते थे, ऐसा तो नहीं चलेगा,
सेकुलर यहाँ पार्टी हो ही नहीं सकती, ऐसा होगा तो अलग बात होती है, हम सिर्फ कुछ रिलीजन को लेके बात करना है, टाक करना है। मगर मैं कहती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगी कि इंसानियत के लिए काम करने में कामयाबी है, और हम जो है इंसानियत के लिए काम करेंगे, और हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, हम ये भी नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी से में भी क्या होता है कि जो माइनॉरिटी होते हैं उसमें भी बहुत बड़े ऊंचे लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी होते हैं उसमें भी तकलीफ वाले लोग होते हैं। तो मेरी सोच ये है कि हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेकर और कास्ट को लेकर नहीं बल्कि इंसान को लेकर एक भारत चलाने की कोशिश करेंगे, और भारत में ईजी लाइफ लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और ख़ास कर से जो है जब कर्नाटका का इलेक्शन होगा तो ये पार्टी लोकसभा के टोटल इंडिया में कंटेस्ट करेगी। और एमईपी का जो ख्वाब है, एमईपी का जो ख्वाब है कि जब लोकसभा 2019 में ये कंटेस्ट करेगी और भारत में रूलिंग में आएगी तो सबसे पहला काम होगा कि जीएसटी रिमूव करो।